प्रिय छात्रों, आज 10th क्लास का एक टॉपिक पे बातचीत करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल पर तीन शीर्ष दिया हुआ रहेगा, उसको किस प्रकार से निकालेंगे, ये एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा भी जाता है और इससे ये संरेखी से संबंधित के का मान भी पूछा जाता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसको भी देखेंगे। और आप लोग का क्लास जो है कि गूगल मीट पे जो है ऑनलाइन सभी विषय का तैयारी कराई जाती है। और आप लोग हमसे जुटने के लिए जो है मेरे फेसबुक लाइव पे कॉन्टैक्ट नंबर है, जुट सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन में मिलते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो शीर्ष दिया है 2, 3 माइनस 1, 0 2 माइनस 4। तो तीन शीर्ष दिया हुआ है, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बनाए और ए बी सी मान लीजिए, ये 2, 3 माइनस 1, 0 ये 2, -4। तो सबसे पहले इसका जो है कि हम लोग सूत्र का जो है उपयोग करेंगे और सूत्र किस प्रकार से लिखाता है, बच्चा को जो है सूत्र याद रखने में दिक्कत होता है, लेकिन आज के बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो सबका मान लिख लेते हैं। तो x1 ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 का मान 2, x2 का मान -1, x3 का मान 2। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है बच्चे लोग को जो है थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है लेकिन जो है इसमें गलती कर देता है। y1 3, y2 0 और y3 -4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ट्रायंगल ऑफ एरिया, तो 1/2 ब्रेकोस्ट x1। तो देखिए y - y देंगे, फिर लिखेंगे x2 y - y और x3 लिखेंगे y - y। अब देखिए इसके साथ में क्या करेंगे, ये लिखेंगे ये 23, 31, 12। इसको याद रखने का ये टेक्निक है, 23, 31, 12। और कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। तो इसको याद रख सकते हैं 23, 31, 12। तो सबसे पहले तो ये 1/2 है, 1/2 रखेंगे, x1 का मान 2 है, 2 रखेंगे, y2 का मान 0 है और y3 का मान ये माइनस में 4 है, तो ये माइनस या पहले से ये प्लस में 4 होगा, x2 का मान माइनस में 1 है, y3 का मान माइनस में 4 है, y1 का मान 3 है, x3 का मान 2 है, y1 का मान 3 है और y2 का मान 0 है। तो 1/2 ये 2, 0 प्लस 4 ये 4 होगा, प्लस -1 ये माइनस में 4, माइनस में 3, -7 होगा ये 2, 3 में 0 घटाएंगे ये 3 होगा। तो 1/2 ये 4 × 8, माइनस गुना माइनस प्लस, 7 × 1 7 प्लस 3 × 6। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 8 × 7 = 15 = 21। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 × 21, 21 × 1 = 21/2 वर्ग मात्रक आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे और सूत्र जो अभी याद रखने के लिए टेक्निक बताएं, इस माध्यम से आप लोग
जो है सूत्र को याद रख सकते हैं और एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और आप लोग इसको जो है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मान बैठाने में उसमें अच्छा रहता है। x1 का मान -5, x2 का मान 3 और x3 का मान 5, y1 का मान -1, y2 का मान -5, y3 का मान 2। यहां लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया, 1/2 इंटू ब्रिकोस्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो 23, 31, 12 इसको याद रखना है। 1/2 x1 का मान माइनस में 5, y2 का मान -5 और y3 का मान ये 2 है, x2 का मान 3 है, y3 का मान 2 है और y1 का मान या माइनस पहले से है तो ये प्लस में 1 होगा, x3 का मान 5 है और y2 का मान -5 है और y1 का मान -1, उसके बाद y2 का मान माइनस यहाँ है तो ये माइनस पहले से +5। अब लिखेंगे 1/2 ये माइनस में 5, ये माइनस में 7, क्योंकि -5 और -2 -7 ये 3, 2 + 1 3, ये 5, ये होगा 4। अब लिखेंगे 1/2 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस, ये 35 होगा, 3 3 9, 4 5 20। अब इसको जोड़िए 35 20, तो 35 20 कितना हो गया, तो ये 30 20 50 55 55 9 55 और 9, तो ये 64 हो गया। तो ये जब 64 हो गया, यहाँ लिखो 64, 1/2 अगुना 64, ये जब भाग लगाएंगे 2 से ये 32, ये 32 वर्ग मात्रक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं और एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आता भी है।